दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को 10 नवंबर तक आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि उन्हें ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आज पेशी के दौरान संजय सिंह ने कहा सत्ता के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसके अलावा संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी पर भी टिप्पणी की। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की जांच हो जाए तो जिंदगी भर जेल रहना पड़ेगा उनको वापस। मोदी जी एक भ्रष्ट नेता है, अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही केंद्र की दमनकारी नीतियों का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सैकड़ों नेता और हजारों कार्यकर्ता बीजेपी और केंद्र के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते सड़कों पर दिखे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह के तत्काल रिहाई की मांग भी करते दिखे। जेल में बंद संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ने से रोक दिया गया। ऐसा करते वक्त दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक खींचातानी भी हुई। बाद में मामले की नजाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से न केवल रोक दिया बल्कि कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया।